हर घर तिरंगा कैंपेन आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए जागरूकता के लिए मुखिया को भी दी गई है जिम्मेदारी। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसलिए इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। पहली बार देशवासियों को अपने अपने घरों की छतों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने के लिए जागरूकता किया जा रहा है। 40 लाख घरों में मुफ्त झंडा पहुंचाएगी सोरेन सरकार। झारखंड में मिलने लगी है 100 यूनिट मुफ्त बिजली। हेमंत सरकार ने पूरा किया अपना चुनावी वादा। हेमंत सरकार ने झारखंड के गरीबों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देना शुरू कर दिया है। जुलाई से यह सुविधा लागू कर दिया गया है और यह राज्य के 32 लाख गरीबों को यह लाभ मिलने लगा है। झारखंड के गिरिडीह में एक हैवानियत की घटना सामने आई है। यहां के मुखिया के पति ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार दोपहर बिरनी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। आरोपी की पहचान 35 वर्षीय मिकू मंडल के रूप में की गई है। हालांकि घटना के बाद वह फरार है। देवघर में 8वीं के छात्र की हथियार से किया गया हत्या। शरीर पर गहरे घाव के निशान। पुलिस कारणों की जांच में जुटी। देवघर जिले के जसीडी थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में रहने वाले 15 वर्षीय सूरज कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। अपने माता पिता का इकलौता संतान था। झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने से दीवारें गिरी, घरों में घुसा पानी। अगले 5 दिनों तक अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे झारखंड के किसानों को बारिश होने से थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। रांची सहित झारखंड के कुछ हिस्सों में गुरुवार को भारी बारिश हुई है। रांची मौसम विज्ञान के अधिकारी ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है और शुक्रवार को कुछ राहत मिलेगी। बांदा एक्सीडेंट, सीएम योगी ने मृतक के परिवारों को मुआवजा देने का किया ऐलान। मौके पर भेजे सरकार के दो मंत्री। यूपी के बांदा नाव हादसे में लापता 17 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। अभी भी लापता लोगों को खोजा जा रहा है। हिस्सों में मनाया जाता है या रक्षाबंधन का त्यौहार है। विदेशों में मनाई जाने वाली ये फेस्टिवल बहुत ही फेमस है। यह भाई बहन का प्यार वाला त्यौहार है और इस्कॉन से जुड़े पूरे देश विदेश में मनाते यह त्यौहार। दिल पर भारी पड़ रही एक्सरसाइज। राजू श्रीवास्तव को भी जिम करते पड़ा है हार्ट अटैक। जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को जिम में एक्सरसाइज करते समय उन्हें हार्ट अटैक पड़ा है। इससे पहले भी जिम करते समय कई हादसे हो चुका है। झारखंड के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री ने नवजात को दिया जन्म। रांची से सासाराम जा रही थी महिला। राष्ट्रीय सेमिनार सिंपर गेट पर आजसू के छात्रों का काला झंडा तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन करते। छात्रों के पैसा की बर्बादी बंद करो, वर्षों से लंबित अनुबंध शिक्षकों की बहाली जल्द करो, प्राइवेट बीएड कॉलेज की मनमानी पर रोक लगाओ, पुस्तकालयों या लाइब्रेरियों में जरूरी किताबें उपलब्ध कराओ। इन नाराओं के साथ हाथों में काले झंडे और काले कपड़े पहनकर आजसू छात्र संगठन से जुड़े छात्र केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान सिफर पहुंचे।